हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभ ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम रत्सासन डिज्नी हॉटस्टार पे रिलीज हुई 2022 की कठपुतली मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने रत्सासन क्यों कहा, क्योंकि ये मूवी 2018 में आई हुई तमिल मूवी रत्सासन का ऑफिशियल रीमेक है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी के अंदर क्या खास है क्या खास नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरियल किलर इन कसौली। दोस्तों, रिव्यू शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, चिंता मत कीजिए, स्पॉइलर नहीं दूंगा। हिमाचल के कसौली में एक सीरियल किलर खुलेआम घूम रहा है, जो कि छोटी लड़कियों को किडनैप करता है, उनका मर्डर करता है और उनके बॉडी को पुलिस को चैलेंज करने के लिए शहर के ओपन प्लेस में छोड़ जाता है। हमारे फिल्म के हीरो अर्जुन यानी कि अक्षय कुमार फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन कोइंसिडेंटली पुलिस बन जाते हैं और इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और हम ये भी जान पाते हैं ये सब करने के पीछे किलर का एक डार्क पास्ट भी है। मूवी के अंदर अक्षय कुमार का एक्टिंग अच्छा है। अगर बात करें सपोर्टिंग एक्टर्स की, जैसे रकुलप्रीत सिंह, सरगुन मेहता, चंद्रचूर सिंह, इनका भी एक्टिंग मूवी के अंदर आपको निराश नहीं करेगी। मूवी के अंदर नेगेटिव पॉइंट है इसके गाने, जिसको मूवी के अंदर अगर ना भी डाला जाता तो किसी को भी कुछ भी फर्क भी नहीं पड़ता। मूवी की स्टोरी थ्रिलिंग है और इस केस को सॉल्व करते करते आगे जाके एक टाइम पे एक केस पर्सनल भी हो जाता है। आखिर एक केस पर्सनल क्यों हो जाता है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये एक अच्छी रीमेक मूवी है, लेकिन ऑब्वियसली हम इसको ओरिजिनल रत्सासन मूवी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने रत्सासन मूवी को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा आप अभी जाके उस मूवी को देख लीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो नीचे कमेंट्स कीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं।